धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ना तेरी है ना मेरी है, ना तेरी है ना मेरी, ये धरती किसी किसान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की जनता करे पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। देश की जनता करे पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मिटाना है, लोकपाल को लाना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, लोकपाल को लाना है। विरोध नहीं सरकार का, विरोध है भ्रष्टाचार का। भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे से लोगों का हुजूम गुजरता हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्से की भावना है। यह हाल किसी प्रांत का ही नहीं, पूरे देश से अन्ना को समर्थन मिलता हुआ। तो आइए हम इसी जनता से कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है, उनकी मांगे क्या है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, आपका नाम? जी विश्वास। जी हाँ विश्वास जी, तो देखिए मैं जीएनयू से हूँ, जिससे मैं आपको पूरा भारत देख सकता है। मेरा आपसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि आपके आंदोलन करने से सरकार आपकी मांगे मान लेगी? जी क्यों नहीं, गांधी जी ने भी तो सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी थी। तो देखा आपने, लोगों में विश्वास है कि इस बार में कामयाब जरूर होंगे। हमारे साथ एक अन्य युवा आंदोलनकारी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी सवाल करेंगे। आपका नाम? अपूर्ण। जी हाँ अपूर्ण जी, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके आंदोलन करने का तरीका सरासर ब्लैकमेलिंग नहीं है? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग नहीं है। ब्लैकमेलिंग तो वो होती है जब कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी को धमकाता है। अन्ना ना तो किसी को धमका रहे हैं और ना ही अपने स्वार्थ के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो लोगों में विश्वास है कि वे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वे सब कुछ सही कर रहे हैं और सही होगा भी। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, आपका नाम? कमल। जी हाँ कमल जी, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपके आंदोलन करने के तरीके से लोग गलत फायदा नहीं उठाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, अनशन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यह ताकत तो सिर्फ किसी सत्याग्रही के पास ही होती है और कारण भी तो सही होना चाहिए ना। मान लीजिए अन्ना जी यह कारण लेकर अनशन पर बैठ जाए कि उनके गांव वासी वो सभी को अमीर बना दिया जाए, तो ना तो कोई उनका साथ देगा। लोग इस पर चाहते हैं कि लोकतांत्रिक पाई को देखना, ये है कि कहीं के सत्र में क्या होता है। कैमरामैन दीपक निर्मोही के साथ जीएनटीवी न्यूज के लिए मैं उदय सिंह चौहान, नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप रहे हैं जीएनटीवी न्यूज पर हमारी खास पेशकश आज की आवाज। ये आवाज उन करोड़ों भारतीयों की है जो चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार रूपी अंधकार को मिटाया जाए। उन सब की निगाहें अटकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी ओर, जिनके हाथों में आज हमारे देश की बागडोर है। आप सभी ये जानते हैं कि कैसे देश भर में अन्ना हजारे और लोकपाल बिल के समर्थन में जन जागरण अभियान चल रहे हैं। आज संसद का विशेष सत्र होने वाला है, इसी विषय पर ताजा तरीन जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता निकुंज अग्रवाल के पास, जो इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। निकुंज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हर्षिता, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप बताइए कि इस समय संसद भवन में लोकपाल बिल को लेकर क्या हलचल है? हाँ हर्षिता, तो यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लोकपाल बिल पर इतिहास रचा जाएगा या नहीं। वैसे मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि 1968 से 2011 तक लोकपाल बिल संसद में 9 बार पेश किया जा चुका है, लेकिन अब तक पारित नहीं हुआ है। किंतु अब सुबह के सूरज की तरह वह समय आ ही गया है कि लोकपाल बिल अपनी समस्त मांगों के साथ पारित होकर ही रहेगा। कैमरामैन दीपक निर्मोही के साथ जीएनटीवी न्यूज के लिए मैं निकुंज अग्रवाल। शुक्रिया निकुंज। अब जीएनटीवी के जरिए आपको ले चलते हैं लोकसभा में, जहां से आप लोकपाल बिल पर होने वाली खास बहस का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया,
सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। महासचिव महोदय, कुमारी मोनिका गहलोत जो राजस्थान के पाली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण करेंगी। कुमारी मोनिका गहलोत, आप शपथ ग्रहण करेंगी? जी हाँ, मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेंगी? अपनी मातृभाषा हिंदी में। श्रीमान, मैं मोनिका गहलोत जो युवा संसद के लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभु सत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। आज सदन में नियम 193 के अंतर्गत अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस प्रस्तावित है। श्री सत्येन घोष, श्री रामस्वरूप, कुमारी सरोज भार्गव लोकपाल बिल के मामले पर बहस शुरू करना चाहते हैं। माननीय श्री सत्येन घोष, मैं माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से ये कहना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत से भारी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, तमन्ना है कि सूरत बदलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की पीड़ा से देश को राहत मिले। इसलिए अगर आज भी लोकपाल पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस देश की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। श्री रामस्वरूप, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि 1968 से 2011 तक लोकपाल बिल 9 बार पेश हुआ। वित्त मंत्री जी, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक इस बिल की कार्यवाही पर कितना खर्चा आ चुका है? वित्त मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, कभी हिसाब नहीं लगाया। अजी, आपको कभी घोटालों का हिसाब लगाने से फुर्सत मिले तब आप इसका हिसाब लगा पाएंगे ना। जनता तो महंगाई से त्रस्त है और यह सरकार अपने में ही मस्त है। अपने में ही मस्त है। आप शांति बनाए रखें, अनुशासन के साथ बैठिए। जरा ध्यान से सुनिए वित्त मंत्री जी, सुनिए ना। 1968 में 3 लाख, 1971 में 20 लाख, 1977 में 25 लाख, 1985 में फिर 25 लाख, 1989 में 30 लाख, 1996 में 1 करोड़, 2001 में 35 करोड़ और 2011 में तो 1700 करोड़। कुल मिलाकर 1737 करोड़ और 3 लाख रुपए। और नतीजा ठन ठन गोपाल। आपकी और पूरे सदन की जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीआई तो सीधे सीधे सरकार के अधीन है। इस मामले में तो सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। फिर सीबीसी तो लोकपाल की तरह बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है। माननीय, लगता है कि आप यहाँ भी भ्रम पाले हुए हैं। सीबीसी की हालत तो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे भीष्म पितामह जैसी है जो सिर्फ सलाह दे सकती है। यह तो धृतराष्ट्र, अरे माफ कीजिए, यह तो सरकार की मर्जी है, इसे माने ना माने। अगर सीबीआई के पास कुछ ताकत है तो वह सरकार के कहने अनुसार ही चलती है, और अगर सीबीसी सत्ता की बेड़ियों से मुक्त है तो वह नखदंत भी संस्था है। मैं पूछती हूँ,
अगर सीबीआई और सीडीसी है तो कैसे बताइए, कैसे कैसे अरबों करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं? आखिर क्यों क्यों घोटाले करने वालों को सजा नहीं होती? और अगर मान लिया सजा हो भी जाए तो कैसे कैसे वो 4-6 महीने बाद जेल से बाहर आ जाते हैं? है कोई जवाब? अरे है क्या कोई जवाब? मेरा तो मानना है सशक्त लोकपाल ही इसका असली समाधान है। मुझे तो अभी भी लगता है कि जब पहले ही स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में एक ऐसी ही संस्था मौजूद है तो किसी नई संस्था को बनाने और उसे चलाने में धन नष्ट करने की जरूरत ही क्या है? माफ कीजिए श्रीमान, न्यायपालिका स्वतंत्र तो जरूर है, पर क्या जरा बताएंगे आप कि अदालतों में मुकदमे 20-20 साल तक क्यों लटके रहते हैं? याद करें भोपाल गैस कांड, याद करें जरा भोपाल गैस कांड, जिसका फैसला 26 साल बाद आया और वह भी पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। मेरा तो ये मानना है कि न्यायपालिका को भी लोकपाल के दायरे में लाया ही जाना चाहिए। मुझे तो इस पर सख्त आपत्ति है। अरे इससे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। और आपको अंदाजा भी है मैडम, क्या बात कर रही हैं आप? न्यायिक मामलों में बड़े तकनीकी पेच होते हैं और उनका फैसला कानून के विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाए तो ही बेहतर है। और फिर जजों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान तो पहले से ही है, तो कहीं आप संविधान में संशोधन की बात तो नहीं कर रही हैं? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कोई भी खतरा है। हम सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरे दिल से सम्मान करते हैं। अधिकतम न्यायाधीश निष्ठावान हैं, पर एक छोटा सा छेद भी बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकता है। अभी तो किसी भ्रष्ट न्यायाधीश के खिलाफ FIR दर्ज कराना भी लगभग असंभव है, तो महाभियोग तो बहुत दूर की बात है। मेरी राय में तो इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी। इसलिए लोकपाल बनना भी चाहिए और न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाया भी जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि न्यायपालिका और सीबीआई की तरह क्या प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना ही उचित होगा। उन्हें अनेकों संवेदनशील निर्णय लेने होते हैं जिससे उनकी सरकार चलाने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, निर्णय लेने की क्षमता कैसे प्रभावित हो सकती है? आपकी याददाश्त यदि कमजोर हो गई हो तो मैं उसको दुरुस्त करना चाहूंगी। क्या आपको वो फोर्स मामला याद नहीं है जहां उस समय के प्रधानमंत्री ने जांच के दायरे में होते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे और मान भी लिया कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर कर भी देते हैं? तब इस बात का क्या जवाब है आपके पास कि प्रधानमंत्री के पास पीएम ऑफिस के साथ साथ 2-3 मंत्रालय और भी होते हैं, जैसे कि इस समय हैं? तब क्या वे मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकपाल के दायरे से बाहर नहीं हो जाएंगे? अतः मैं तो इस बात की पुरजोर सिफारिश करती हूँ कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया ही जाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी राय जानना चाहूंगी। आई अग्री विद यू बट आई थिंक चलिए मान लिया लोकपाल बन जाता है और सीबीआई सीबी
बाबा रामदेव को आवाज उठाने पर खामी आजा भुगतना पड़ता है, तो बेचारी आम जनता की क्या बिसात कि वो किसी भ्रष्ट नेता, अफसर या जज के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज करवा सके। मैं मोहतरमा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विसल ब्लोअर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं श्रीमान, जब देश में कानून व्यवस्था के इतने पुख्ता इंतजाम हैं, तो फिर शिकायत दर्ज करवाने वाले को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत ही क्या है? यादव जी, याद कीजिए वो घटना जब आरटीआई एक्टिविस्ट सत्येंद्र दुबे को आवाज उठाने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, और मैं पूछता हूँ कि सरकार इसी गलती को क्यों दोहराना चाहती है? इसलिए मेरी यही मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विसल ब्लोअर को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। अय्यर जी की इस बचकानी बात पर तो मुझे हंसी आ रही है। अरे ये तो बंदर के हाथ में उस तरह थमा देने वाली बात हो गई, किससे तो जो चाहेगा वह किसी भी नेता, अफसर या जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने निकल पड़ेगा। अब आप ही बताइए, इतने लोगों को सरकार सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है, और किससे तो लोकपाल के पास शिकायतों का अंबार खड़ा हो जाएगा। और मान भी लिया जाए कि इतने लोगों को सरकार सुरक्षा देने का बीड़ा उठाती है, तो पैसा कहाँ से आएगा? इससे तो देश का सारा बजट इन विसल ब्लोअर्स को सिक्योरिटी देने में निकल जाएगा। बताइए फिर क्या कहेंगे आप? मंत्री जी, शायद आपको पता नहीं, अगर शिकायत झूठी निकलती है तो लोकपाल में इसका भी प्रावधान किया गया है, झूठी शिकायत करने वाले को भी सजा होगी। पर मुझे तो नहीं लगता कि लोकपाल के पास कोई जादू की छड़ी है जिसके घुमाने से भ्रष्टाचार छूमंतर हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि सरकार लोकपाल को लाना ही नहीं चाहती, इसलिए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे सरकार में नैतिकता बची ही कहाँ है? हाँ हाँ, सारी नैतिकता तो आप में ही है। शांति बनाए रखिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, जनता आपको देख रही है, सदन की मर्यादा का ख्याल कीजिए। दुबे जी बैठ जाइए प्लीज बैठिए। इस तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि लोकपाल बिल के मसौदे को तैयार करने का काम एक प्रारूप समिति को सौंपा जाए, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्यों के साथ साथ जनता के भी कुछ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, और वह समिति जो भी मसौदा तैयार करे उस पर जनमत संग्रह करवाया जाए, तभी हमें एक सशक्त लोकपाल प्राप्त होगा। हाँ, हम मोदी की बात से सहमत हैं। हाँ, हम भी सहमत हैं। आज की कार्यवाही में यह निर्णय लिया गया है कि लोकपाल बिल का मामला एक विशिष्ट समिति को भेजा जाएगा, जो कि दोनों प्रकार के लोकपाल तथा जन लोकपाल बिल की समीक्षा करेगी। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मझधार में नैया डोले, तो माझी उसे बचा माझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए? हो उसे कौन बचाए? जैसा कि देर रात तक चली कार्यवाही में हमने देखा कि गर्मा गर्म बहस, पक्ष और विपक्ष की परस्पर दलीलों का नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। हाँ, एक राय बनी है कि मामला अब एक विशिष्ट समिति को भेजा जाएगा, जो कि दोनों प्रकार के लोकपाल तथा जन लोकपाल बिलों की समीक्षा करेगी, तथा बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में
देश की जनता के समक्ष एक तीसरा ड्राफ्ट पेश कर दिया जाए। कुल मिलाकर स्थिति असमंजस की है, या यूं कहिए कि ऊं निकल पड़ा है। न जाने कब बैठेगा, और बैठेगा भी तो किस करवट बैठेगा। कैमरामैन दीपक निर्मोही के साथ जीएनटीवी न्यूज के लिए मैं निकुंज अग्रवाल, शुभ रात्रि, नमस्कार। मैं एक आम जनता की आवाज हूँ। जी हाँ, संसद पर आधारित इस अभिनय के आलोक में उभरता हुआ एक आम जनता की आवाज हूँ। इतनी लंबी बहस चली, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया, फिर भी नतीजा वही ढाक के तीन बात। हमें तो अपनों ने ठगा, गैरों में कहां दम था। अन्ना हजारे जी ने सिस्टम की गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि उन जैसे नैतिकता और आदर्श के धरातल पर खड़ा व्यक्ति ही देश के गणतंत्र से जवाब मांग सकता है। संसद के सत्र में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर सख्त कानूनों से सब कुछ ठीक हो जाता तो तानाशाही व्यवस्था वाले देश सबसे सुखी और संपन्न होते, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सभ्य समाज में कानून जरूरी है। लेकिन अपने समाज में उन तमाम जगहों पर हमने, आपने, हम सब ने कानून की धज्जियां उड़ते देखी हैं, बल्कि सीधे शब्दों में कहूं तो हम सब ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। तो फिर एक और कानून से क्या सब कुछ बदल जाएगा? नहीं। पति पावनी गंगा आज भी बह रही है, जबकि पाप और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। आवश्यकता अगर है तो खुद के लिए चरित्र आधारित कठोर कानून की। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का हिस्सा बनने नहीं देंगे। कम से कम एक बार रिश्वत देने से मना तो करें, एक बार पॉलिथीन का बैग लेने से इनकार तो करें, एक बार सड़क के उन सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने से तो बचे, लाल बत्ती के हरे होने की प्रतीक्षा तो करें। हम सूरज चांद सितारे भले ना बन सके, परंतु मिट्टी का एक नन्हा दिया बनकर चरित्र निर्माण के सेतु बंध में गिलहरी सहयोग की भूमिका में सामने तो आए, खुद को सुकून देने की शुरुआत तो करें। सच है, किसी भी सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं होती, वह तो हम सब जनता के पास है। तभी हम तिरंगा लेकर वंदे मातरम का नारा बुलंद कर सकेंगे, और जब भारत माता की जय जयकार होगी वो दिल से निकली दृढ़ संकल्प की आवाज होगी। अगर आप दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं, तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ दोहराएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं एक आम आदमी की आवाज हूँ। जी हाँ, एक आवाज हूँ सभी का। धन्यवाद, नमस्कार।